दोस्तों वीडियो वेख लो माई दी है माझ कल ही अपलोड हुई थी ठीक है। फार्मर ने दिल दिल माझ चेक कराई थी। डॉक्टर ने कहा कि माझ खाली है यकीन मन। डॉक्टर ने माझ क्या खाली है तो वेख लो माझ गबन थी। डॉक्टर चेक करके तुर के दी कि माझ खाली है। उन्होंने राजे को कि माझ खाली है क्या अज माझ गाने छाड़ दिता है। जो दोस्त देख लेने चीज़ें समझ जाने की कोशिश करो तो आप कौन है जाए तो करके गड्ढा वगैरह वेख लो आप लोग मिल जाएंगे तो नहीं तो पता लग जाएगा। तो मैं स्क्रीन शॉट भी एंड से दे दूँगा तो देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों तमाम व्यूवर्स तमाम भाइयों दोस्तों कल भी थोड़े नाल काफ़ी गपशप लगी। उम्मीद है इंशाल्लाह लगती रहे दी कि दोस्तों के जानवर बच्चा क्यों फेंक देने। वो कल जिस मेन वजह से गल की थी कि असी के जानवर दे डॉक्टर दे हाथ पाने नाल कई मरतबा जानवर बच्चा फेंक देने ने। कुछ दोस्तों ने इतराज़ भी किया कि ये नहीं वो नहीं। ठीक है हर बंदा अपनी राय रखता है। मैं इंशाल्लाह मैं क्या कल थानू एक वीडियो फिर मैं बना के कल मैं वीडियो अटैच नहीं कर सकया नाल ते मैं आज इंशाल्लाह तुहानू अटैच वीडियो करके दें। वीडियो वेख लियो तुसी दोस्तों बगैर वजह तो बगैर किसी भी गल तो वह गल करना वा जी मैनू पता हो जो मैं वेखी हो वे। या जिस बारे मैनू इलम हो उस तो अलावा मैं गल इंशाल्लाह नहीं करांदा क्योंकि दोस्तों किसी का नुकसान जड़ा है नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा गलत मशवरा किसी नहीं देना चाहिए किसी ने भी। जे तुम ठीक मशवरा नहीं दे सकते तो गलत भी मत दियो गलत गल मत करो। दोस्तों एक दोस्त ने राबता किया कि जानवर डॉक्टर हाथ पाता है तो और बड़ी वजह। मैं क्या ठीक है सब गल्लां तेरियां मैं ठीक है। मैं क्या जानवर सिर्फ डॉक्टर जेड़ा है वो सिर्फ हाथ नहीं पाता वो अंदर जानवर दे हाथ पा के दबांदा है चेक करता है किस तरह उन पता चल जाता है बगैर चेक किते। वो मतलब अंदर एक गुब्बारा जहा लोथड़ा जहा कर लो जिसे जे पानी नुमा कर लो होंगे महीने का डेढ़ का दो का या असी तीन का चेक कराने। वैसे उस तो अलावा जानवर उंज भी नज़र आने लग पैंदा है वो किस तरह नज़र आने लग पैंदा है। दोस्तों जिस टाइम गां मझ गबण हो जाती रह जाती प्रैगनेंट हो जाती है तो वो एक तो हीट ते आना छड़ देती है 21 दिनों बाद बोले दी पानी सट्टे दी रिंगे दी वो छड़ दे दी। दूसरा जानवर सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इतना जानवर सेहतमंद दुध के टाइम नहीं होता जितना जानवर गबन होने के टाइम हो जाता है ठीक है। वो दुध कहीं घटा जाने ने कहीं पूरा रख दें लेकिन वो सेहत उसकी ठीक होने होनी शुरू हो जाती वो वक्खी कढ़ना शुरू हो जाता यानी कि वो रज्जिया रज्जिया जिस टाइम लगता जानवर ना पता जट्टन लग जाता जो बंदे गौर करते हैं उन्होंने इस चीज़ का इलम होगा। कुछ नवे दोस्त ने वो भी जैसे जैसे इस चीज़ के जानते फील्ड जा समझते जानते ना छोटी छोटी चीज़ों को जा। दोस्तों इलम जिस चीज़ का भी बहुत वसी है बहुत वसी है बहुत वसी है सीखना चाहिए है नॉलेज हासिल करना चाहिए। तो दोस्तों मतलब चेक करते ने टोने ने गुब्बारा या लोथड़ा कर लो या पानी कर लो दबाते ने कई बार फिस जाता जानवर उस टाइम कहीं तो उस टाइम सट देंगे ने गंद मंद पानी जो होंगे कहीं उस तू थोड़ी देर तो बाद या दिन तो बाद या दो तो बाद सट देंगे। कल भी दोस्तों गल की थी तेल वगैरह दे दियो बेहतर। कई मरतबा दोस्तों बगैर हाथ पाए कई दूसरी वजूहत की वजह तो कई मरतबा डंगर नु कोई मसला मसैल ऐसा बनता है कि वो जोर लाता है जोर जिस टाइम जानवर लाता है बच्चा सट छिड़ता है। दोस्तों समझो कि जानवर जोर पे लाता पे कोई मसला है डंगर गबण है तुहाडा 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने ताईं भी गबण जानवर जिहड़ा गबण है प्रैगनेंट है वकदी है ठीक है जी। उन के करो मसलन वो केड़ा तरीका अख्तियार करो कि यानी कि वो ना सट्टे या रह जाए या बच जाए बच्चा ठीक है। बच्चा जाया हो जाना या जानवर वक्त तो पहले बच्चा दे देंदा है वो प्रोग्रेस नहीं रहती वो यानी कि जिस तरह उस दुध देना होंदा है जिस तरह वो रेंज होंगी उस रेंज तक नहीं जाता। दोस्तों अद्धा किलो दुध लै लो दुध अद्धा किलो देसी घी अद्धा किलो चीनी या गुड़ लै लो ठीक है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਕੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਟੇਕ ਸਹਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50% 60% ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲੇ ਮਸਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਕਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਫੈਂਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 40 ਜਾਂ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੈ ਗੱਭਣ ਏ ਜੈ ਖਾਲੀ ਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸੱਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਏ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲਨ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਹਤਿਆਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਉਹ ਦਾਇਮ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਫਾਰਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।